तो यार ये रहा हमारा MI स्मार्ट स्पीकर, फाइनली आ चुका है, काफ़ी वेट कर रहा था। तो पहले तो बॉक्स को देख लेते हैं। MI स्मार्ट स्पीकर DTS साउंड लिखा हुआ है, ओके गूगल का है ये सपोर्टेड। किस किस तरह की कमांड देख सकते हो, ये पीछे कुछ इसके बारे में लिखा हुआ है, एंड साइड में आप क्या क्या कर सकते हो, पावरफुल साउंड, DTS साउंड, हाईफाई ऑडियो प्रोसेसर, DTS प्रोफेशनल ट्यूनिंग, प्ले कंट्रोल म्यूजिक, प्लान योर डे, सेट अलार्म, गेट आंसर्स, ये सभी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। एंड नीचे की तरफ जो इसकी प्राइसिंग लिखी गई है 599 रुपीज़, एंड कंट्री ऑफ ऑरिजिन जो है यहाँ पर चाइना ही दिया गया है। मुझे था कि ये मेड इन इंडिया होगा, बट स्टिल चलो मैन्युफैक्चर एंड ऑल ये सब कुछ तो इंडिया का ही चल रहा है यहाँ पर, सारजपुर बेंगलोर, बट स्टिल यहाँ पर जो प्राइसिंग है वो 599 की है। बट अब जान के हैरान हो जाओगे कि मुझे कितने का पड़ा है। यस एग्जैक्टली मुझे इतने का ही पड़ा है, बट ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कैसे। एंड ऊपर की तरफ ये MI का ब्रांडिंग विद ओके गूगल। तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग हम शुरू करते हैं वन एंड ऑल हमारे खूनी चाकू के साथ। इसका ये सील तोड़ा एंड आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग यूनिक अनबॉक्सिंग। ये कुछ है इसकी जन्म पत्रियाँ जिसकी शायद जरूरत नहीं पड़ने वाली है। खोदा बाहर निकला जो है तो छोटा सा ही है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग जितना एटलीस्ट इसमें दिखाया उतना तो बड़ा होता, और इसमें कुछ भी नहीं है। सो ये रहा इसका अडेप्टर जिससे ये चलेगा, एंड इसमें बैटरी जो है बिल्कुल भी नहीं है। सो प्लीज़ आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट डैट क्वेश्चन कि क्या ये बैटरी चार्जेबल है या नहीं। एंड इसकी ये रही पिन इसकी, ठीक है, तो ये बैटरी से जो है नहीं चलेगा। एंड ये रहा हमारा स्पीकर। सो ये है इनका बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्पीकर, एंड ये ऊपर की तरफ प्लास्टिक है, ये मेटल है, ये प्लास्टिक है, नीचे रबड़ बेस दे रखी है, एंड नीचे की तरफ मैट फिनिश लुक है। एंड ये 10531 होल्स हैं जिनके थ्रू आपकी परफेक्ट साउंड आएगी। आई डोंट नो MI के पास इतना वेला टाइम क्यों था ये होल्स गिनने के लिए। ये पीछे जहाँ अडेप्टर लगेगा, और ये जो बटन्स हैं ये टच बटन्स हैं, और इसमें दो माइक्स हैं, बट वहीं आप दूसरी तरफ एलेक्सा को देखो तो उसमें चार माइक्स दिए होते हैं, बट स्टिल ये भी कह रहे हैं कि 2 far माइक्स हैं जो आप दूर से आवाज़ जो सुन लेगा। ये सारे के सारे टच कंट्रोल्स हैं। तो इसको एक बार ऑन कर लेते हैं। ये कुछ इस तरह से इसकी लाइट जल रही है प्लग इन होते ही, तो इसको सेटअप कर लेते हैं फिर बात करते हैं हम इसके बारे में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक ऑर्गेनिक। मैं हूं आपका टेक होस्ट राहुल शर्मा। सो यार अनबॉक्सिंग तो आपने देख ली, इस इतने बड़े डब्बे में से ये चूहा निकला, मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग बिग, क्योंकि पिक्चर और जैसी एडवर्टाइजमेंट दिखाई गई थी, सच कहूँ तो मुझे लग रहा था कि काफ़ी बड़ा स्पीकर आएगा, बट कोई बात नहीं, जो है वो ये हमारे पास स्पीकर आया है। एंड ओवरव्यू की अगर मैं बात करूँ फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीकर की, तो काफ़ी प्रीमियम सी फील लगी मुझे इस स्पीकर की। एंड अगर मैं बात करूँ इसके ऊपर की साइड की, आप यहाँ देख सकते हैं आपको चार टच बटन जो दिए गए फुल्ली टच बटन हैं वो, एंड उसमें प्लस माइनस कॉर्नर्स में है, बीच में पॉज एंड प्ले है, एंड माइक का बटन है। एंड पॉज एंड प्ले का यहाँ पर क्या काम आता है, ये ब्लूटूथ स्पीकर भी है। ब्लूटूथ की मुझे जो इसमें कमी लगी वो है ब्लूटूथ 4.2 वर्जन ही है जो इसमें दिया गया है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि 5 तो दे देते, बट स्टिल काफ़ी कॉस्ट कटिंग करने के बाद MI को जहाँ भी कॉस्ट कटिंग लगी वहाँ इन्होंने किया है। एंड इससे थोड़ा बहुत फ्रीक्वेंसी में फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ता है, बट स्टिल 4.2 इन्होंने दिया है। आज के टाइम पे सारे मोबाइल या डिवाइसेज में 5.0 ब्लूटूथ ही आ रहा है, बट स्टिल ये कहना पड़ेगा इन्होंने कि स्मार्ट स्पीकर के होने के बावजूद भी इन्होंने इसमें ब्लूटूथ इंटीग्रेट किया। अब अगर ये ऑफलाइन स्पीकर पड़ा है तो ऑफलाइन भी आप इससे गाने वगैरह सुन सकते हो अपने मोबाइल के थ्रू। एंड ऑल ओवर अगर इसकी बॉडी की बात करूँ तो ऊपर भी प्लास्टिक है, नीचे भी प्लास्टिक है, एंड नीचे की तरफ अगर आप देखें तो रबड़ पैडिंग जो दी गई हुई है जिससे होल्ड में थोड़ा वाइब्रेशन जब होती है ऑब्वियसली स्पीकर में, तो वाइब्रेशन की वजह से इधर उधर रहता है स्पीकर। सो यस काफ़ी सही से होल्ड करेगा। एंड मैं फ्रंट की तरफ बात करूँ तो MI की ब्रांडिंग है, एंड काफ़ी लोगों को इससे दिक्कत है कि MI की ब्रांडिंग नहीं होनी चाहिए, और काफ़ी लोगों को नहीं भी है क्योंकि जो MI के फैंस हैं उनको पता है MI भी आज के टाइम पे एक बहुत ही सही ब्रांड है। बट स्टिल कोई भी प्रोडक्ट हमारा लॉन्च करेगा तो उसमें अपना ब्रांडिंग तो देगा ही यार, क्या इसमें मतलब क्या कर लोगे आप लोग, कुछ नहीं कर सकते हो। एंड इसमें जो ये वायर मैश जो दे रखे ये पूरी मेटलिक है। आई नो मैंने एक तो यूट्यूबर्स का वीडियो देखा एंड दे सेट की ये प्लास्टिक है, आई डोंट नो क्यों ऐसा कहते हैं वो बिना किसी जाने, उनके पैकेट में भी लिखा हुआ है मेटलिक है, एंड इवन फील भी मेटलिक होता है ये। सो यस ये मेटलिक है, एंड ये कहते हैं 10531 डॉट्स हैं इसमें,
जिसकी वजह से काफ़ी जो वजह से नहीं मतलब उसके थ्रू काफ़ी सही साउंड जो निकल के आती है। ऑब्वियसली अगर मेटलिक वायर में होगी तो उससे काफ़ी अच्छी साउंड जो फिल्टर होगी आती आती है, ये ऑब्वियसली बताए। वहीं जब आप प्लास्टिक की बात करो तो प्लास्टिक में फ़र्क रहता है, आप एक साउंड क्वालिटी का फ़र्क देख लेना। एंड इसके फीचर्स की मैं बात करूँ जो Xiaomi ने कहा है जो इसमें है वो टेस्ट में बाद में करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो Xiaomi कहता है वो इसमें 12 वॉट का स्पीकर है, 63.5 mm का इस स्पीकर में ड्राइवर होने वाला है। इसमें पर दो माइक्स भी दे रखे हैं जो कि फार अवे माइक हैं, कहते हैं कि दूर से भी बोलो तो सुन जाता है। तो यार मैं माइक क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो मैं अगर सुनाऊं आपको दूर से थोड़ा सा बोलूँगा हे गूगल, काफ़ी सही मतलब आराम से बोला, ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोला मैंने। आप लोगों को ज़ोर से इसीलिए सुनाई देगा क्योंकि मैंने तो माइक लगा रखा है ना, बट उसमें फार अवे माइक ही है। तो यार जो काम के लिए दिया गया फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्मार्ट स्पीकर है दूर से काफ़ी सही से आवाज़ पकड़ लेगा, ये ज़्यादा दूर नहीं था बट सिल मैंने लो फ्रिक्वेंसी में बोला था। तो यार ये तो था इनकी माइक की बात, ठीक है। अब इसमें वाईफाई भी है, ब्लूटूथ तो मैंने बता ही दिया है। वाईफाई भी इसमें 2.5 GHz to 5 GHz तक का इसमें वाईफाई जो है सपोर्ट करता है, जो कि काफ़ी सही है। सो यस एज ए क्रोमकास्ट आप इसे नेटफ्लिक्स पे प्ले कर सकते हो, जब आप लॉगिन करोगे मतलब इसको सेटअप करोगे तो उस टाइम पे आपसे एक नेटफ्लिक्स का अकाउंट भी मांगेगा। सो यस आपको नेटफ्लिक्स का बोलना है कि क्या शो लगाना है और ये लगा देगा। एंड इस प्राइस रेंज में ये मतलब 3,500 रुपये का है, एंड आजकल ये 3,000 रुपये का मिल रहा है, मुझे 1,000 रुपये का मिला है, तो मेरे लिए तो ये छप्पड़ फाड़ वाली डील है। बट सेल आप लोगों के लिए 2999 के अकॉर्डिंग ये डील कैसी रहेगी, 3,500 में भी अगर लेना है कल को तो कैसा रहेगा, वो मैं सभी डिस्कस करूंगा आगे कि क्या ये उस लायक है या नहीं। तो यार ये तो थी सारी की सारी डिटेल जो फीचर्स या जो भी चीज़ें MI की तरफ से मेंशन की गई थी इस स्पीकर के लिए। एंड सच कहूँ तो इस प्राइस रेंज में मुझे 3,000 रुपये में काफ़ी सही लग रहा है, क्योंकि 12 वॉट का स्पीकर इस रेंज में, जो कि एलेक्सा वगैरह के काफ़ी बड़े बड़े स्पीकर्स जो वो आते हैं इस प्राइस रेंज में। एलेक्सा मेरे पास ये तो इको डॉट ही पड़ा है, बट सिल्क जो बड़े बड़े स्पीकर्स होते हैं, एंड मैंने इसके कंपैरिजन के लिए मतलब जो गूगल का भी एक स्पीकर होता है, स्मार्ट स्पीकर है, वो भी मंगवाया है मैंने, सो दैट कंपेयर कर सकूं, क्योंकि दोनों का प्राइसिंग काइंड ऑफ सेम ही है, 3,500 पे ही मिलते हैं दोनों जब सेल नहीं होती है, तो दोनों कंपैरिजन भी किया जाएगा साइड बाय साइड। एंड काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होगी उसके लिए भी कौन सा लिया जाए, क्योंकि ऑब्वियसली MI क्वांटिटी तो दे देता है बट क्या वो क्वालिटी मैट कर पाता है या नहीं, वो हम उस कंपैरिजन वीडियो में देखेंगे, अभी फिलहाल इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो यार अब बात कर लेते हैं इसका जो मेन फंक्शन है जो कि है कमांड्स देना ऑब्वियसली, तो एक बार कमांड्स भी देख लेते हैं किस तरह की देता है ये। अभी जो मेरे ये फ्रंट की जो लाइट्स हैं ये बंद हो जाएंगी इसकी कमांड से, हे गूगल टर्न ऑफ ऑल लाइट्स। तो ये वाला आपने देखा होगा फेस में कम हुई होगी चमक, क्योंकि सॉफ्ट बॉक्स जो बंद हो चुके हैं। हे गूगल ऑलराइट टर्न ऑन ऑल लाइट्स, तो लाइट जो ऑन हो चुकी है। तो यार ये लाइट्स जो है चेंज वेंज कर देता है, तो मतलब जो इसका बेसिक काम है वो तो ही कर रहा है बड़े मजे से। तो यार अब इसकी हम साउंड टेस्ट भी चेक कर लेते हैं। साउंड टेस्ट चेक करने से पहले बता दूं इसका जो वायर मेश है 0.75 mm थिक है, मतलब ये ज्यादा नहीं है। एंड मेटल से क्या फायदा होता है कि साउंड जो है वो अब्सॉर्ब नहीं होती, जब भी मतलब जो भी साउंड है वो प्रॉपर निकलती है, इसलिए काफ़ी अच्छे अच्छे स्पीकर्स में ये मेटल के ही लगाए गए होते हैं। सो यस Xiaomi ने ये चीज़ सोची। एंड एक बार इसको ब्लूटूथ से पेयर कर लेते हैं, हे गूगल सेटअप ब्लूटूथ। ओके टू कनेक्ट ओपन ब्लूटूथ सेटिंग्स एंड लुक फॉर द डिवाइस कॉल्ड लिविंग रूम स्पीकर। सो स्पीकर इज कनेक्टेड, तो यार स्पीकर तो मैंने कनेक्ट कर लिया। अब मैं आपको सॉन्ग सुनाऊंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एनएल वॉकर का NCS का सॉन्ग है, ये ट्रैक से थोड़ा आइडिया हो जाएगा साउंड किस तरह के। एंड एक ऋत्विक का सॉन्ग भी सुनाऊंगा, 10 सेकंड का होगा, एंड अगर वो आपको नहीं सुनता इट मीन समझ लेना कॉपीराइट आ चुका था, जिस रीजन से वो नहीं सुना पाया, बट जो चलेगा वो तो चलेगा ही चलेगा अभी।
फिर साउंड की क्वालिटी तो आपने सुन ली, एंड सच कहूँ तो काफ़ी बेसी सी साउंड है इसमें, मतलब बेस जो है काफ़ी भर भर के डाला गया है, मतलब 63.5 mm के ड्राइवर हैं, तो यस दे आर कम्प्लीटली फॉर द बेस। एंड इफ यू आर द एग्जैक्ट म्यूजिक लवर लाइक आपको छनकार और छोटा छोटी छनकार, छोटा छोटा ड्रम्स वगैरह, ये सभी जो छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक्स होते हैं, इफ़ यू रियली लाइक दैट, क्योंकि मैंने इसमें इक्वलाइजर में सेटिंग पे जाके इसका जो बास है वो काफ़ी कम कर दिया, बट स्टिल मुझे जो इंस्ट्रूमेंटल चाहिए थे वो मुझे थोड़ा सा नहीं मिल पाया बास कम होने के बाद भी। आप एक साउंड क्लिप ये वाला भी सुन सकते हैं। सो ये साउंड क्लिप में भी आपने देखा तो बेस कम होने के बावजूद भी बेस जो काफ़ी अच्छी बज रही थी, बट बेस ही अच्छी बज रही थी, टेरेबल जो पीछे के छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक हैं वो मुझे अच्छी तरह छनकार वगैरह जो होते हैं वो मुझे नहीं सुन पाए। बट येस एज ए स्पीकर वी आर एक्सपेक्टिंग बेस, फर्स्ट ऑफ ऑल बेस लवर्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं क्योंकि हर गाने पे वो जब तक वो बेस डुम 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 करके मज़ा ना आए ना तो काफ़ी लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सो येस इस प्राइस रेंज में बेसी स्पीकर काफ़ी मस्त स्पीकर है ये, 299 रुपीज़ में या 399 में जिस भी प्राइस में मिलता है। सो येस बजट फॉर द मनी है। बट हाँ मुझे एक चीज़ काफ़ी अजीब लगी इसमें कि जो मेरा एलेक्सा का स्पीकर है अगर मैं उसमें यही सेम सॉन्ग प्ले करूँ, हालांकि ये 3-5 watt का स्पीकर है ये वाला, एंड दिस स्पीकर इज ऑफ 12 watt, सो 12 watt एंड इस 5 watt में कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल इसका जो साउंड है वो काफ़ी ज़्यादा लाउड है, बेसी नहीं है बट लाउड है। इसका भी कंपेरिजन वीडियो में आगे लेकर आएंगे, बट स्टिल अभी हमने सिर्फ इस स्पीकर के लिए बात कर रहे हैं। सो येस इस प्राइस रेंज में क्या ये लेने लायक है, तो पॉजिटिव पॉइंट में ब्लूटूथ स्पीकर बन जाता है, होम स्पीकर है, बेसी स्पीकर है, 12 वॉट का स्पीकर है, साउंड काफ़ी अच्छी है वो इंस्ट्रूमेंटल्स को छोड़ के, ऊपर से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो टच टेक्नोलॉजी इन्होंने यूज़ कर रखी है, ब्लूटूथ जो 4.2 है बट डैट इज़ एक्सेप्टेबल इस प्राइस रेंज में। एंड मैं ऑल ओवर द प्रोडक्ट में अगर इसको रिव्यू दूँ इसकी बिल्ड क्वालिटी को लेकर, इसकी आवाज़ को लेकर, सो मैं 5 में से इसको 4.5 नंबर देता हूँ। मैंने 0.5 सिर्फ इसलिए काटा है क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंटल मेरे को, क्योंकि म्यूज़िक को काफ़ी बारीकी में सुनने का मुझे शौक है कि वो पीछे छोटे 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 म्यूज़िक भी बजे, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो भी मुझे सुने। सो सिर्फ इसी रीज़न से मैंने वो 0.5 जो मार्क्स है काटे हैं। एंड बात करूँ इसके वेट की, हालांकि ये पोर्टेबल नहीं है बट स्टिल कभी थोड़ा सा उठाना पड़ जाए ऐसा, तो 850 ग्राम का ही इसका वेट है, कोई बहुत ज़्यादा वेट नहीं है उस स्पीकर के अकॉर्डिंग, मतलब जो उसमें इतना बड़ा ड्राइवर है। एंड एक क्वेश्चन जो फाइनली हर बार मुझसे पूछा जाता है स्पीकर्स के रिलेटेड, क्या ये बैटरी ऑपरेटेड है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बैटरी ऑपरेटेड नहीं है, ये ऑलवेज आपको पावर प्लग करके रखना पड़ेगा। सो प्लीज़ मुझसे ये क्वेश्चन मत पूछना कि ये बैटरी से चलते हैं नहीं, क्योंकि काफ़ी लोग वीडियो देखते नहीं और बिना वीडियो देखे बोल देते हैं ये बैटरी से नहीं चलता, इसका बैटरी बैकअप कितना है। सो प्लीज़ स्टॉप आस्क दिस स्टूपिड क्वेश्चंस, कुछ जेन्युइन क्वेश्चंस पूछो कि हाँ और क्या चीज़ें जो मेरे माइंड में नहीं आई हैं। हालांकि मैंने काफ़ी चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है बट स्टिल मेरे माइंड में जो चीज़ें नहीं आई हैं वो आप पूछ सकते हो, या तो इंस्टाग्राम पे DM कर दो या फिर नीचे कमेंट्स में लिख दो, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ, सबको पता है। सो यस दिस स्पीकर इज़ एक्चुअली रिकमेंडेबल। एंड मैं आपको इसमें बताऊँ इसमें जो कलर्स हैं बहुत ही लिमिटेड से हैं, अगर इसकी जो ब्लू लाइट है वो ब्लिंक कर रही है तो वो पेयरिंग मोड पे होता है, जब आप जैसे इसको हे गूगल बोलते हो, सो यस इसकी जो लाइट है वो रिंग लाइट जो वही ब्लू लाइट ऑन होती है बट वो ब्लिंक नहीं होती है कुछ देर के लिए जब तक वो एक्टिवेट है, आपकी कमांड ले रही है। एंड जब आप इसको रीसेट मोड पे डालते हो तब ये येलो हो जाता है, एंड जैसे आप इसका माइक जो वो ऑफ करते हो तो ये ऑरेंज लाइट जो शो करता है। सो यस बहुत ही लिमिटेड से लाइट्स हैं बट ठीक है ना, जितनी मतलब फंक्शन उतनी लाइट है, ऐसे RGB टाइप नहीं है कि हाँ अनलिमिटेड कलर्स वाला, लिमिटेड सी लाइट्स है। सो यस ये 3 ही तरह के लाइट मोड है इसमें, तो ज़्यादा राइटलिंग एक्सपेक्ट मत करना इससे। एंड इसमें आपको 999 रुपीज़ का गाना का सब्सक्रिप्शन भी मिलता है जो कि आप क्लेम कर सकते हो काफ़ी ईजिली। आई थिंक 999 का तो मैंने स्पीकर लिया ही है और 999 का ही सब्सक्रिप्शन मिल गया, सो आई थिंक ये मुझे फ्री में पड़ा है। हाँ मुझे ये तो फ्री में पड़ गया बट स्टिल अब 999 में मुझे ये कैसे मिला है ये आप लोगों को मैं बता देता हूँ। अभी आपने लास्ट में मेरी अनबॉक्सिंग देखी होगी, मैंने 2 TV लिए थे, सो यस उन 2 TVs में ऑफर्स वगैरह कुछ चल रहे थे, सो वो जो 2 ऑफर्स थे वो ओवरलैप हो गए या कंबाइन हो गए या मर्ज हो गए, एंड जिस रीज़न से मुझे ये स्पीकर 999 रुपीज़ में मिला है तो यही रीज़न था मेरे को 999 में मिलने का। बाकी गूगल ने स्पीकर का भी अनबॉक्सिंग आने वाला है और उसके बाद उसका बहुत जल्द ही कंपेरिजन वीडियो भी आ जाएगा, सो
So yes, stay tuned for the upcoming videos. So if you really like my video, like the video, share the video. किसी को अगर स्पीकर लेने हैं तो उसका शेयर करो, ये वाला रिकमेंडेड करो उसको कि हाँ लेने लायक है ये. एंड सब्सक्राइब करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब दिख रहा है उसको करके ही छोड़ना, उसके करे बिना नहीं जाना है, ठीक है. एंड अगर आपको ऋतुवेश का गाना नहीं सुना है सो आई एम रियली सॉरी, कॉपीराइट की वजह से नहीं सुना पाया. एंड अगर आपको सुन गया है सो थैंक यू यूट्यूब, आपने सुनवा दिया. एंड थैंक यू ऋतुवेश भाई, आपने कॉपीराइट नहीं दिया. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई चैनल. हैव ए ग्रेट डे गाइज़.